हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है स्टॉक सिलेक्शन में कि आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग किस पर्टिकुलर स्टॉक्स में करेंगे और क्यों करेंगे, उसके पीछे वैलिड रीजन भी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं। अगर आप सही स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करेंगे उसके बाद आप कोई भी स्ट्रेटजी वहाँ पे इस्तेमाल कर लो, आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हो, अल्टीमेटली आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसलिए सही स्टॉक का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही स्टॉक का सिलेक्शन कर लेते हो तो आपका एक्यूरेसी लेवल ऑटोमेटिकली 50% इंक्रीज हो जाएगा। यानी एक्यूरेसी लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप है स्टॉक का सिलेक्शन करना, और बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में इसीलिए नुकसान करते हैं। तो अगर आपको भी इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक पावरफुल तरीका स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे के लिए सटीक और परफेक्ट स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत सारा हो सकता है, तो यहाँ पर हम और भी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी पावरफुल है, सटीक है, जिससे आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंजल वन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन करेंगे। हम एंजल वन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ एडवांस फीचर दिए गए जिसके बेसिस पे हम इंट्राडे के लिए परफेक्ट स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, और इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में ये मुझे हेल्प करने वाला है। तो अगर आपके पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर आपके ब्रोकर में पहले से अवेलेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना, जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पोर्टफोलियो मार्केट दिखेगा, आपको मार्केट पे क्लिक करना। जब आप यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिखेगा, एफएनओ डेटा दिखेगा, चार्ट, ऑप्शन चेन, यहाँ पे आपको एफएनओ डेटा पे क्लिक करना है। जब आप एफएनओ डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में फ्यूचर्स दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिखेंगे, यहाँ पे आपको ओआई गेनर्स ओआई लूजर्स दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, यहाँ पे हमें फोकस करना हुआ मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स पे फोकस करना है। और अभी जो यहाँ पे आपको मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स दिख रहा है रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा स्टील दिख रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कर रहे थे उस टाइम पे क्या देखना, फर्स्ट वन आवर या फिर डेढ़ घंटे, यानी फर्स्ट 90 मिनट्स में ही हमें यहाँ पे सारा कुछ करना। और फर्स्ट 90 मिनट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस तीसरे नंबर पे था, रिलायंस और टाटा स्टील था दूसरे नंबर पे। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने रिलायंस और टाटा स्टील को हमने पिक किया था, सिर्फ दो स्टॉक्स को हमें पिक करना था, इन्फोसिस तीसरे नंबर पर था इसलिए यहाँ पर हमने इन्फोसिस को पिक नहीं किया था। और आप सेम चीज़ का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, लगभग 10:55 करीब हमने यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन किया था, और यहाँ पे रिलायंस और टाटा स्टील मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में हमें क्लियर कट दिख रहा था। तो यहाँ पे हम इन दोनों स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, और इंट्राडे के लिए हमें स्टॉक सिलेक्शन मिल गया, और वो भी वैलिड रीजन के साथ। यानी यहाँ पे हम मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे मार्केट मोमेंटम आएगा और उसके जरिए हम प्रॉफिट आसानी से बना सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस में बाइंग भी करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखता है। चलिए इन दोनों स्टॉक से चार्ट को ओपन करते हैं और इसके बेसिस पे हम कैसे स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए। सबसे पहले हम टाटा स्टील के 5 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब 5 मिनट के चार्ट पे हम इसलिए आए क्योंकि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली हम 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पे कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे आपको नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल करना। 5 मिनट से नीचे चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है, आप पोजीशंस लेने के बाद देख सकते हो, पोजीशंस लेने से पहले आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फर्स्ट 1 आवर में क्या कुछ हुआ है। अगर हम फर्स्ट 1 आवर के मूव को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में इस लेवल पे एक हाई बना है और नीचे में इस लेवल के आसपास लो बना है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। यानी अगर हम बात करें तो पहला 1, 2, 3 पहला 3 कैंडल के बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक हाईएस्ट पॉइंट मिल गया जो कि यहाँ हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ठीक है, दूसरा
यहाँ पे हमें एक लोएस्ट पॉइंट मिल गया जो कि हमारे लिए क्या काम करेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यानी अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ पोजीशंस लेंगे, या नहीं तो ऑप्शंस में बाई करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो पुट ऑप्शंस यहाँ पे हम बाई करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है, यानी अगर टाटा स्टील इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाई करना प्रेफर करेंगे, और ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी इस लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला, तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, यानी ये मेरा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का है और टारगेट प्राइस मेरा लगभग 11.60 का, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए तो 1.14 के करीब का है। यानी आपको मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जाना, उससे नीचे का नहीं जाना, और यहाँ पे है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इतना करना होगा। इससे ज़्यादा भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मिनिमम आप 1:1 के रेशियो तक जा सकते हैं, और यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, यानी ये लेवल है आपका 1065 के आसपास। यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में बाई कर सकते हो, इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंट्राडे में बाई कर सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1060 के कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाई करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा सारा ट्रेड हो गया, 1065 के करीब हम बाई करेंगे, और फ्यूचर में भी जो लेवल होगा, ये स्पॉट का लेवल है, फ्यूचर्स में भी इस पर्टिकुलर टाइम में जो लेवल होगा इसी से एक दो पॉइंट ऊपर ही होगा, तो वहाँ पर हम बाई करेंगे। और उसके बाद हमारा टारगेट प्राइस क्या है, इस पर्टिकुलर रेंज पे हमारा टारगेट प्राइस है, देख सकते हैं यहाँ पे एक बार हिट किया, दूसरी बार यहाँ पे हिट किया, इन दो बार मौका दिया आपको प्रॉफिट बुक करने का, और प्रॉफिट मुझे आसानी से मिलता हुआ दिख गया, यानी लगभग मुझे यहाँ पे 11 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। अगर हम स्पॉट की बात कर ले, फ्यूचर्स में भी यहाँ पे आपको लगभग 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया है, और हम ऑप्शंस की बात कर ले, ऑप्शंस में यहाँ पे मुझे कितना पॉइंट का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे हमने 1060 के कॉल ऑप्शंस को बाई किया था, और कब बाई किया था हम यहाँ पे टाइम देखते हैं, हमने बाई किया था 9:40 के करीब, और प्रॉफिट बुकिंग कब आया, प्रॉफिट बुकिंग आया 10:30 करीब, यानी 1 आवर मुझे ये प्रॉफिट दे दिया। तो सेम पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं हम इसके ऑप्शंस को, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 1060 के कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे भी आपका 5 मिनट वाला ही टाइम फ्रेम है। तो हमने एंट्री कब लिया था, 9:40 के आसपास, तो यहाँ पे हम 9:40 के टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो देख सकते हैं ये साइड है, यस यही 9:40 है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है आपका 29 के करीब, यानी इसके हाईएस्ट पॉइंट करीब यहाँ पे हम बाई करते हैं, उससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मान के चलते हैं कि 29 पे ही बाई किए। उसके बाद 10:30 करीब इसने क्या किया था, प्रॉफिट बुक किया था, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है 33 का, और हाईएस्ट पॉइंट करीब ही मेरा टारगेट बुक हुआ था, यानी 33 का हाई गया, यानी यहाँ पे मुझे 4 पॉइंट मिला है इसके ऑप्शंस में, और इसका लॉट साइज है आपका 425 × 4 कर दें तो ये लगभग आपको 1700 करीब प्रॉफिट मिलता हुआ दिख सकता है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे आपको 1700 करीब प्रॉफिट मिला है, और फ्यूचर्स में आपको लगभग 11 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, तो 11 × आप 425 कर दें, यानी तो 10 × 425 करें तो यहाँ पे आपको लगभग फ्यूचर्स में 4000 करीब प्रॉफिट मिला, और ऑप्शंस में आपको 1700 का प्रॉफिट मिला है। इंट्राडे में ट्रेडिंग किए होंगे तो जितना लॉट लिए होंगे उससे आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट डिसीजन नहीं है, सिर्फ आपको मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स फाइंड करना, वो फाइंड कर लिया, हम उसके चार्ट पे आए, और पहला आधा एक घंटा में जो भी कुछ पैटर्न बना, यहाँ पे हमने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, उसके बाद हाई को ब्रेक करके ऊपर निकले तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। क्यों बाइंग करेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम वाला स्टॉक्स बन जाता है, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है, तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिलेगा। ये काफ़ी सिंपल तरीका जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, और ये आपको प्रॉफिट भी बना के देगा। अब यहाँ पे हम दूसरे स्टॉक्स पे आते हैं जो कि आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, यहाँ भी पहला 15 से 20 मिनट में ये हमारा हाई बन गया और ये हमारा लो बन गया, मतलब ये जो है ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और ऊपर ये जो है ये हमारा रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। क्लियर है। अब उसके बाद प्राइस आपका यहाँ से अपसाइड की तरफ निकला है, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें बाई साइड की तरफ नहीं जाना, और उसके बाद प्राइस नीचे आया और एक रेंज पकड़ लिया, और देख सकते हैं लगभग आपका
एक से डेढ़ घंटे यानी दो घंटे से इसी रेंज के बीच में मूव कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो वॉल्यूम भी कम है। वॉल्यूम कम है मतलब है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, जो नॉर्मल बिहेवियर रहता है। जैसे ही वॉल्यूम कम होता है प्राइस आपका नीचे गिरना स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है उसके बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं गिर रहा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा। तो यहाँ पे हो रहा है आपका एक्युमुलेशन जोन है, मतलब यहाँ पे बिग बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं। कम वॉल्यूम के बाद भी प्राइस नहीं गिर रहा, मतलब वो आपका एक्युमुलेशन जोन है। तो यहाँ पे मैंने आपको मार्केट के फोर फेज के बारे में बताया था। सबसे पहला फेज यही होता है एक्युमुलेशन, इसके बाद आपका एडवांसिंग फेज आता है, फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे माल डंप किया जाता है, फिर आता है आपका डिक्लाइनिंग। तो इसके बाद प्राइसेस आपका ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं इंट्राडे में, मार्केट आपका एक रेंज पकड़ लिया, जैसे ही मार्केट आपका रेंज पकड़ रहा है तो जब से ही मार्केट रेंज पकड़ता है किसको फायदा होता है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको फायदा होता है। तो यहाँ पे क्या करें, हम ऑप्शन सेलिंग करें यानी 2900 के कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे हम सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे मुझे कुछ नुकसान होगा, अदरवाइज प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हम पुट ऑप्शंस भी सेल कर सकते हैं, लेकिन पुट ऑप्शंस में रेंज बहुत कम है हमारे पास, और एक कैंडल कुछ भी निगेटिव मोमेंटम दिखाए तो मेरा SL हिट कर सकता है और नुकसान मुझे अच्छा खासा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए सिर्फ 2900 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तभी यही काम कीजिए। और यहाँ पे लगभग मुझे 3% का अपसाइड की तरफ मार्जिन मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा मार्जिन है। और अगर मार्केट ऊपर आता है तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा इसको एडजस्ट करने का, और अगर ब्रेकआउट देता है इसके बाद तो हमारे पास भी टाइम रहेगा इसको एडजस्ट करके यहाँ पे जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने का। तो इसलिए इस सिचुएशन में आप ऐसे ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप जो भी लोग 2900 के कॉल ऑप्शंस को सेल किए होंगे उनको यहाँ पे प्रॉफिट जरूर मिला होगा। और मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाकर दिखा देता हूँ कि कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ के प्रीमियम में डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है। तो ऐसे ही आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉक जो सिलेक्ट किया है उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि ये दो स्टॉक्स जो है वो आपका मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है। अगर आप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में सिलेक्शन करते हैं और वो अगर आपको ब्रेकआउट देता, चाहे नीचे हो या ऊपर हो, वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाता है। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेन पे आते हैं रिलायंस के। अगर आप यहाँ पे रिलायंस के ऑप्शन चेन को देखो, एट द मनी के आसपास अगर आप देखो, तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते, देख सकते हैं ये आपका इस साइड कॉल ऑप्शन है और साइड आपका पुट ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन की तरफ भी LTP देखो, पूरा का पूरा आपको चेंज नेगेटिव देखने को मिलेगा, इस तरफ स्लाइटली आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और वो भी स्लाइटली पॉजिटिव है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो भी सेल करना आपको कॉल साइड की तरफ ही सेल करना, पुट साइड की तरफ सेल करना थोड़ा सा अवॉइड करना। जो भी लोग कॉल ऑप्शन सेल किए होंगे देख सकते हैं 7-8% का गिरावट दिखा है, और यहाँ पे आपको लगभग 1% का प्रॉफिट जरूर मिल गया होगा, 1% नहीं तो 0.5% का भी प्रॉफिट जरूर मिला होगा ऑप्शन सेलिंग में भी। सो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, वो भी सिंपल तरीके से, काफ़ी आसानी से। बस इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको ये सारा डेटा चाहिए होता है। जब तक आपके पास ये सारा डेटा नहीं रहेगा तब तक आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। ये डेटा होना चाहिए, और ये डेटा एंजल ब्रोकिंग में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि एंजल ब्रोकिंग में आप डीमैट अकाउंट ओपन करना प्रेफर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।